बच्चों, फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट यानी राजनीति विज्ञान के मूल आधार वाले पेपर में अपने दूसरी इकाई के टॉपिक्स चल रहे थे, और जो उसमें अवधारणाओं के विषय थे उसमें अपन ने स्वतंत्रता, समानता और शक्ति इसके बारे में अब तक जानकारी हासिल की थी। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपन आज सत्ता की चर्चा करते हैं। सत्ता यानी अथॉरिटी। मैंने कहा था, जैसे जब शक्ति के बारे में बता रहा था, कि कुल मिलाकर जो वैधानिक का शक्ति है वही सत्ता है, जो औचित्यपूर्ण शक्ति है, लेजिटिमेट पावर है, वही सत्ता है। शक्ति का ही व्यवस्थित वैधानिक रूप सत्ता कहा जाता है। जैसे जैसे बारस्टेर कहते हैं कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है और वह स्वयं शक्ति नहीं है। तो जब सत्ता शक्ति का वो रूप जो कि वैधानिक, लेजिटिमेट और स्थायी और संस्थागत हो जाता है, तो वो सत्ता कहा जाता है। जैसे हेनरी फियोल के अनुसार, सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश की पालना करवाने की शक्ति, यहाँ भी शक्ति आ गई। फिर इसी तरह से थियो हेमन ने कहा है कि सत्ता वह वैधानिक शक्ति है जिसके आधार पर अधीनस्थों को यानी सबॉर्डिनेट्स को काम करने के लिए कहा जाता है और उन्हें बाध्य किया जा सकता है कि वे उस आदेश को माने, और यदि वे आदेश का उल्लंघन करते हैं तो उनके विरुद्ध आवश्यकता अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसी तरह से एलन ने कहा है कि सौंपे गए कार्यों के निष्पादन को संभव कराने के लिए प्रदान की गई शक्तियां सत्ता कहलाती है। तो कुल मिलाकर सत्ता जो है वो शक्ति का ही एक संस्थागत वैधानिक रूप है, ये तो स्पष्ट है। और यूनेस्को ने भी कहा है, सत्ता वह शक्ति है जो कि स्वीकृत हो, सम्मानित हो, ज्ञात हो, औचित्यपूर्ण हो। यानी स्वीकृत और औचित्यपूर्णता, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब सत्ता जो है वो स्वीकृत होगी किसके द्वारा, तो जनता जनता या फिर किसी संगठन के अधीनस्थों के द्वारा। और वो स्वीकृत क्यों होती है, तो जब वो लेजिटिमेट हो तो वो स्वीकृत हो जाती है ना। जब वो स्वीकृत हो तो लेजिटिमेट हो जाती है। इसलिए सत्ता के लिए स्वीकृति यानी कि जनता की स्वीकृति, अधीनस्थों की स्वीकृति, जिसके लिए वो आदेश है, जिस पर वो शक्ति का प्रयोग हो रहा है, वो उसे स्वीकृत करे और वो उसे लेजिटिमेट बनाए, उसकी औचित्यपूर्णता उससे साबित होती है। जैसे बहुत सारे, जैसे जो खासकर लोक प्रशासन में अपन पढ़ते हैं इसको, सत्ता को, तो मेरी फॉलेट है या फिर बर्नार्ड, जस्टर बर्नार्ड है, साइमन है, जो डिसीजन मेकिंग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, कई सारे विद्वानों ने इसके मनोवैज्ञानिक व्यवहारिक पक्ष की व्याख्या की है, और सत्ता को की औचित्यपूर्णता के संबंध में इसे अधीनस्थ और जो उच्च पदस्थ यानी जो अधिक जो सत्ता का प्रयोग करता है और जिसके लिए किया जाता है, उसके बीच के संबंधों की विस्तार से चर्चा की है। और इसलिए सत्ता आदेश देने और आदेश की पालना करवाने की औचित्यपूर्ण शक्ति है। अब हम सत्ता की प्रकृति के ऊपर जाए, तो सत्ता की प्रकृति के संबंध में जो दो सिद्धांत प्रायः बताए जाते हैं, एक है औपचारिक सत्ता सिद्धांत यानी फॉर्मल थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता को आदेश देने का अधिकार है और सत्ता का प्रवाह सामान्यतः किसी हियरार्किकल फॉर्म में पद सोपानीय व्यवस्था के तहत ऊपर से नीचे की ओर होता है। यानी कि सत्ता आदेश देने की व्यवस्था है जो ऊपर से नीचे की ओर आता है, और यह अधिकार जो है सभी व्यवस्थाओं संगठनों में सामान्यतः एक जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनको दिया जाता है। और इस प्रकार वरिष्ठता से कनिष्ठता की ओर एक पद क्रम, एक पद सोपान बन जाता है। और सत्ता के पीछे जो है वो औचित्यपूर्ण संगठन या किसी पॉलिटिकल सिस्टम का हो और किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो, वो औचित्यपूर्ण शक्ति होती है, और इस शक्ति के कारण ही सत्ता के आदेशों की पालना की जाती है। सत्ता आवश्यक रूप से व्यक्तिगत श्रेष्ठता को नहीं बताती, बल्कि उस व्यवस्था या व्यक्ति के द्वारा दिए गए आदेशों की श्रेष्ठता को साबित करती है। और इसलिए मैकावर ने इसे शासन का जादू भी कहा है।
कि जो एक व्यक्ति जो आदेश देता है वह अपने से अधीनस्थ व्यक्तियों से भले ही अधिक विवेकशील न हो, वो अधिक चतुर न हो, योग्य न हो, लेकिन वो क्योंकि उससे श्रेष्ठ पद पर है तो निम्नतर पद को आदेश दे सकता है, उसकी पालना भी होती है अनिवार्य रूप से। दूसरा जो सिद्धांत है सत्ता का वो है स्वीकृत सिद्धांत। और स्वीकृत सिद्धांत का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि व्यवहारवादी या मानव संबंध के संबंधों के संदर्भ में जब औपचारिक सत्ता में औपचारिक सत्ता विश्वास नहीं रखते हुए स्वीकृत सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। इसे यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार सत्ता कानूनी रूप से केवल औपचारिक हो सकती है, लेकिन वास्तव में जो है सत्ता आदेश के अधिकार सत्ता के आदेश के अधिकार की सफलता अधीनस्थों या आम जनता के स्वीकृति पर निर्भर करती है। और यहीं से लेजिटिमेसी औचित्य पूर्णता का सिद्धांत आता है। यानी कि व्यवहार में देखे तो औपचारिक सत्ता के द्वारा दिए गए आदेश भी, जैसे कई हम देशों में देखते हैं कि जब सत्ता कू यानी कि जो सत्ता परिवर्तन हो जाता है बलपूर्वक सेना के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा, तानाशाह के द्वारा, तो वो जो उसकी सत्ता जो है वो आदेश तो देता है लेकिन सामान्यतः लोग उस आदेश को नहीं मानते हैं, विद्रोह कर देते हैं, है ना। तो औचित्यपूर्ण सत्ता नहीं मानी जाती है। वो सत्ता कब मान्य होगी? जब जनता उसको स्वीकार कर लेगी, है ना। कई बार जो औपचारिक सत्ता न भी हो लेकिन जनता किसी अपने एक ऐसे व्यक्ति के आदेश को स्वीकृति दे देती है जिसको लगता है कि वो उसके लिए हित में काम करेगा, है ना। चेस्टर बर्नार्ड ने अपनी पुस्तक द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव में कहा है कि अधीनस्थ आदेशों को स्वीकार करें इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, इसके लिए भी शर्तें हैं। वो चार शर्तों की बात करते हैं। जैसे अधीनस्थ अधिकारी आदेश अथवा सूचना को समझता हो, समझ सकता हो, यानी उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि क्या आदेश मिल रहा है। दूसरा कि अपने निश्चय करने के समय वो है उसका यह विश्वास हो कि आदेश संगठन के उद्देश्यों के साथ ठीक से तर्क संगत है, असंगत नहीं है, वो उसके उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला है ना, तो वो उसको स्वीकार कर लेगा, मान लेगा। फिर तीसरा, निर्णय लेने के समय वह यह सोचता हो कि एक समग्रता के रूप में संबंधित आदेश उसके व्यक्तिगत हितों के भी अनुकूल हो। अगर उसको लगा कि उसके व्यक्तिगत हितों के प्रति कोई संभवतः उसको डिफाई कर देगा, वो उसके आदेशों की पालना नहीं करेगा, इसलिए उसके व्यक्तिगत हितों के अनुकूल हो इस बात का भी सत्ता के आदेश प्राप्त करने वाले को विश्वास होना चाहिए। और दूसरा चौथा कि जो सत्ता जिसके लिए दिया गया है, जिसके द्वारा स्वीकृति मिलनी है, वह मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उस आदेश के अनुपालन की क्षमता रखता हो, है ना। तो फिर सत्ता जो है वो स्वीकृत होती है, और ये स्वीकृत सिद्धांत है ना। अब जो सत्ता के स्रोत या प्रकार के बारे में चर्चा करें, तो सामान्यतः इसके बारे में हम मैक्स वेबर, जर्मन जर्मन समाजशास्त्री थे मैक्स वेबर, उन्होंने इसके संबंध में अपना सिद्धांत दिया। और सत्ता और औचित्य पूर्णता, सत्ता यानी औचित्य पूर्णता यानी वैधता यानी लेजिटिमेसी के बीच घनिष्ठ संबंध को उजागर किया। और इसी के आधार पर, इन दोनों के बीच में संबंधों के आधार पर ही उन्होंने सत्ता के तीन प्रकार बताए हैं। नंबर 1, परंपरागत ट्रेडिशनल। जब जनता या अधीनस्थ अधिकारियों के आदेश को इस आधार पर स्वीकार करते हो कि ऐसा सदैव होता आया है, यानी पारंपरिक रूप से होता आया है कि सत्ता के आदेश की पालना की जाती रही है, तो फिर ये परंपरागत सत्ता मानी जाती है। और इस प्रकार की सत्ता का अभिप्राय शासन के उस अधिकार से है जो राजनीतिक शक्ति शक्ति के अनवरत प्रयोग से उभरता है। और इसी प्रकार की सत्ता में डेलीगेशन प्रत्यायोजन अस्थायी रूप से किया जाता है और पूर्ण रूप से सर्वोच्च सत्ताधारी की इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे राजतंत्र में राजा, है ना, जैसे समाज में कई प्रकार के धार्मिक नेताओं का नेतृत्व, है ना, जैसे समाज में सामाजिक रूप से वरिष्ठ व्यक्तियों का नेतृत्व, कई जगह जैसे अपने देश में देखते हैं जाति पंचायतें, खाप पंचायतें, या फिर जहां पर परंपराओं के आधार पर उनकी सत्ता को स्वीकार किया जाता है ना, उसके पीछे कोई और शक्ति नहीं होती, बस एक परंपराओं की का पालन करना चाहिए, ऐसा होता आया है, इस आधार पर सत्ता के आदेश की पालना होती है, तो परंपरागत सत्ता। दूसरा, बौद्धिक तार्किक
है ना, बौद्धिक तार्किक, बौद्धिक कानूनी या तार्किक सत्ता। और इसी सत्ता को मैक्स वेबर जो है वो बहुत ही सबसे तार्किक मानता है, सबसे तर्कसंगत और लोकतांत्रिक मानता है। जो सत्ता कुल मिलाकर विवेक के आधार पर बनाए गए कानून द्वारा सम्मत हो, कानूनों द्वारा स्वीकृत हो, उसे बौद्धिक कानूनी माना जाता है। यह सत्ता संवैधानिक नियमों के अंतर्गत जो स्थापित पद है उससे प्राप्त होती है। और जैसे भारत में जब किसी भी दल को बहुमत मिल जाता है लोकसभा में, तो उसे अपना बहुमत दल के नेता का निर्वाचन होता है और प्रधानमंत्री पद उसे मिल जाता है। तो ये सत्ता जो है वो बौद्धिक तार्किक है ना, और इसका आदेश सामान्यतः संवैधानिक व्यवस्था वाले देशों में, यानी जहाँ रूल ऑफ लॉ है, इसी से रूल ऑफ लॉ स्थापित होता है, विधि का शासन, तो उन देशों में इसको सहज रूप में स्वीकार किया जाता है। जो तीसरे प्रकार की सत्ता है वह है करिश्माई सत्ता। अब करिश्माई सत्ता क्या है? जब किसी भी सत्ता का आदेश देने वाले व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों के आधार पर, यानी व्यक्तिगत गुणों के कुछ करिश्माई गुणों के आधार पर उसके आदेश की पालना की जाती है, तो वो जनता को सहज रूप में स्वीकार्य भी होता है और सामान्यतः न्याय संगत भी लगता है। वो एक करिश्माई सत्ता है। सामान्यतः है जब नेतृत्व के गुणों को के आधार पर सत्ता स्थापित की जाती है, जैसे महात्मा गांधी है ना, वो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से इतने उच्च गुणों के व्यक्तित्व के धनी थे कि लोग सहज रूप में उनके आदेशों की पालना सामान्यतः कर लेते थे और आज भी करते हैं। इसी प्रकार जैसे बहुत सारे ऐसे विवेकानंद, एक एक क्षेत्र में लोग उनके आदर्शों को मानते हैं, इसी तरह से कई अन्य करिश्माई नेतृत्व वाले धनी राजनीतिक व्यक्ति, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, या कई मायनों में नरेंद्र मोदी हो, या कई मायनों में इंदिरा गांधी रही हो, है ना, जवाहरलाल नेहरू रहे हो, या फिर आप देखें तो बहुत सारे अन्य क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में, धार्मिक क्षेत्रों में करिश्माई नेतृत्व, यानी कि कुल मिलाकर व्यक्तिगत गुणों के धनी नेतृत्व है, उनके आदेशों की पालना जब होती है उनके व्यक्तिगत गुणों के आधार पर, तो करिश्माई सत्ता है। और मैक्स वेबर कहते हैं कि बौद्धिक कानूनी सत्ता कमजोर एवं खंडित होती है, और इसलिए उसे उसे मजबूती प्रदान करने के लिए परंपरागत और करिश्माई तत्वों का भी सहारा लिया जाता है। और ये जो है सत्ता के तीन प्रमुख जो स्वरूप है वो है ना। इसके बाद अपन अगले व्याख्यान में देखेंगे।